प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आप जानते हैं कि आपको हमने कंपोजिशन की बताए गए थे, लेकिन मौजूदा दौर में लॉकडाउन की स्थिति निरंतर बढ़ती जा रही है और बहुत ही ऐसी स्थिति में हम लोग अपना जो काम है ऐसे पूरा करें जिस समय प्रैक्टिकल होना था उस समय से यह इस स्थिति में आ गया है। मैं समझता हूँ कि आपको जो कंपोजिशन बनाना है वह एक नई प्रविधि है और नई प्रविधि के नाते आप उस कंपोजिशन को उतना अच्छी तरह भी नहीं जान पाए हैं, इसलिए आपको उसके बारे में जानकारी बढ़ाना एक आरंभिक प्रक्रिया तो शुरू ही कर दी गई, लेकिन इसलिए कि आपको काफ़ी मौका दिया गया कि आप अपनी ड्राइंग सब्जेक्ट फिल्म वगैरह वगैरह बना करके भेजते रहें, लेकिन जैसा कि देखने को मिला कि कुछ विद्यार्थियों ने भेजा है मगर अधिकांश विद्यार्थियों के जो काम हैं वो पाबंदी अभी प्राप्त नहीं हुई है, तो मुझे लगा कि एक बार फिर से आपको डेमो करना चाहिए और जिससे आप अपनी प्रक्रिया को आगे बढ़ा सकें। तो मैं यह डेमो 4 पार्ट में दूंगा और ज़्यादा पार्ट भी हो सकता है, क्योंकि वॉश पेंटिंग की पद्धति है तो इसका कई बार इस तरह से करना होगा। तो इसकी थीम मैं श्रृंगार ले रहा हूँ और श्रृंगार में ऐसे एक विषय है जो उसको हम कह सकते हैं कि बाल बनाना या इस तरह से कुछ है जो आएगा देखेंगे। तो मैं क्योंकि इस डेमो की स्थिति में आ रहा हूँ, मैं अपना काम शुरू करता हूँ और मैं आपको ज़्यादा इस यूनिट के लिए आता हूँ कागज के लिए ज़्यादा आप देख सकें कागज का हिस्सा जो देखना इसका मुझे इतना भरोसा है कि आप चीज़ें दिखाई दे रहा हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि भारतीय चित्र परंपरा में ही हमें ये अपना थीमेटिक कंपोजिशन करना है, तो इसलिए
हम ड्राइंग को पहले इस तरह से करते हैं कि ड्राइंग के नियम से बने रहें और उठे रहें आपका जो जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप पेपर स्केल पर यूज कर सकते हैं यहाँ पर कई बार क्या करते हैं सुविधा के लिए इसको कॉपी भी कर सकते हैं कॉपी करके हमने इसको ऐसे ही
चित्र हूबहू बन जाए इसके लिए हम देख रहे हैं इंडियन पेंटिंग की खूबी है वो है नया पत्ता। आपको इस पूरे चित्र में लयात्मक तरीके से लेना है। उधर से दूसरे हाथ का सपोर्ट होगा बाल बनाने में, दूसरी तरफ से आ रहा हूँ। अब हम धीरे धीरे गैर जरूरी हिस्सों को जो जरूरी है वो इसके उनको हम रखेंगे, अगर गैर जरूरी हिस्सों को हम साफ करेंगे तो ये भी हमें ध्यान रखना है कि हमारी पेंटिंग है लेकिन ये सारी प्रक्रिया हम चित्र को काफ़ी कंप्लीट करने के बाद करते हैं क्योंकि Thank you.
ये श्रृंगार के प्रसाधन की चीज़ें जो है उनमें शिक्षा वगैरह क्या करते हैं कि उसके पीछे की जो लाइनें होती हैं उन्हें हम यहाँ पर साफ कर लेते हैं, और वो जो स्टिल लाइफ का इफेक्ट होता है वो उस तरह से आ जाता है। और अब कुछ हमारी और भी निरर्थक लाइनें होती हैं जो बनाते समय आ जाती हैं, उस समय उनके प्रक्रिया में उन्हें भी हम इसलिए साफ कर लेते हैं। साफ करके हालांकि इसमें जो लाइन्स हैं उन्हें बहुत ही तरीके से और बहुत सुंदर ढंग से बना लेना है, और कोशिश तो ये भी की जाती है कि पहले लाइन पर भी एक बार हमें हल्के कलर से लाइन कर देनी चाहिए, जिससे कि वाश करने के बाद उसका वर्चस्व बना रहे। तो वो प्रक्रिया भी हम लोग कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर आपको उंगलियों का बहुत ही सलीके से उनके मुड़ने का और उनके आगे बढ़ने का प्रयोग करना है, ऐसे वो बाल के साथ कार्यक्रम बनाती हैं तो वो बालों में उनकी हुई एक हाथ दूसरे हाथ को सहयोग कर रहा होता है, और यही इस तरह की कंपोजिशन की पूरी भी होती है।
आपने ये देखा कि हमने एक तरह से एक चित्र बनाया और उस चित्र को मैं थोड़ा कैमरे की पोजिशन ठीक करके आपको समझाना चाहूँगा। इस चित्र को आप देख पा रहे हैं, अब आप ये देख पा रहे हैं कि मैंने इसके चेहरे को बनाया। धीरे धीरे आप आएंगे इधर देखेंगे कि नीचे तक मैं इसके पूरे उस प्रारूप को बनाने की कोशिश किया हूँ। और फिर आप देखते हैं कि जो दूसरा हिस्सा है उसमें कैसे इसकी छवि ग्लास में दिखेगी और नीचे इसके जो श्रृंगारदान है उस पर जो इसके तमाम श्रृंगार की सामग्री है उनको हमने यहाँ रखा है। और ये सब चीज़ें बनते बनाते हाथों का विशेष रूप से हम गौर करेंगे कि हाथों पे भी हमें और काम करना है। तो ये चीज़ें करते हुए और हम धीरे धीरे बढ़ते हैं और एक एक चीज़ का ठीक से यहाँ पर निर्माण करते हैं। हम लोग पाते हैं कि एक जो हमारे जो चित्र की प्रक्रिया है, चाहे वो हाथ के उसके कंगन होंगे या ब्लाउज या कपड़े की डिज़ाइंस होगी या उनमें जो मोड़ होगा, वो सब चीज़ें हम यहाँ पर दिखाने की कोशिश करेंगे। और ये पूरा जो प्रोसेस होगा ये हमारे ये चित्र के प्रोसेस का जो हिस्सा होता है जिसको हम इस तरह से भी देख सकते हैं। ये हम यहाँ पर करके और ये बात कर सकते हैं कि जैसे हमारा पूरा जो प्रोसेस है, प्रक्रिया है, वो हम इसको ठीक से बना करके फिर हम इसे आगे बढ़ेंगे और ये पाएंगे कि हमारा जो चित्र की प्रक्रिया है वो पूरी हो जाए। तो यह एक जो सीट है वो लगभग उसी रेशियो की सीट है जो आपकी साइज़ है। ये तो थोड़ा उससे बड़ी नहीं है लेकिन ये भी काफ़ी बड़ी साइज़ का है। तो आज हमने एक जो डेमो किया है उसमें अभी आपको यहीं पे रोकता हूँ। तो इतना बताने के बाद हम लोग साइड में देख रहे हैं कि वो स्पेस खाली न जाए, उसमें एक फ्रेम भी बना दिया है। उस फ्रेम का यूज़ हम लोग इस तरह से भी कर सकते हैं कि यहाँ इस वाले एरिया में कि हम कोई इसमें ड्राइंग भी कर सकते हैं, कैलेंडर भी बना सकते हैं, श्रृंगार की चीज़ों को रखने के लिए जगह भी बना सकते हैं। तो इसमें श्रृंगार का, लेकिन चूँकि श्रृंगार की चीज़ें रखने के लिए यहाँ पर जगह बनाने में नुकसान ये होगा कि जो मुख्य चित्र है उसके जो पृष्ठभाग में बहुत ज़्यादा चीज़ें आ जाएंगी तो वो उतना प्रभावी नहीं होगी, इसलिए हमें उससे बचना चाहिए। और इसको रोशनदान टाइप का बना करके या खिड़की का कोई शेप दे करके भी काम चलाया जा सकता है, नेचर वगैरह भी दिखाया जा सकता है। तो इस पर विचार करेंगे कि क्या करना है और चेहरे के हिसाब से क्या चीज़ें वहाँ उपयुक्त लग रही हैं। तो आपने ये देखा कि हम इस पूरे चित्र के इस लेफ्ट वाले हिस्से को और नीचे इसमें, चूँकि ये पूरा चित्र इस तरह का बन रहा है कि इसमें जो इसका डिवीज़न ऑफ स्पेस है वो डिवीज़न ऑफ स्पेस ख़त्म हो जाता है और पूरी आकृति जब खड़ी होती है तो वहाँ हमें नीचे स्पेस की ज़रूरत पड़ती है। तो हम यहाँ स्पेस ड्यू टू इसकी पोजिशन, चूँकि इनर ये इंटीरियर चित्र है और किसी कमरे का चित्र है तो उसके श्रृंगार रूम का चित्र है, तो हम चाहते तो पूरा पैर तक बनाते लेकिन पैर की यहाँ हमें ज़रूरत थी नहीं। तो अगर हम पैर तक बनाते तो हमारा जो स्पेस डिवीज़न है वो काम करता कि 2/3 स्पेस हम नीचे छोड़ करके उसके धरातल को रखते और पीछे के हिस्से को उसी तरह से हम उसमें डालते पृष्ठभूमि में और पृष्ठभूमि के उस तरह के तमाम चीज़ों को करते। और आप यहाँ पर ये बिल्कुल स्पष्ट तौर पर ध्यान रखेंगे कि इसमें स्थितिजन्य लघुता जैसी कोई चीज़ नहीं है,
रेखा प्रधान चित्र बनना है और दो माप वाले भी चित्र रहेंगे, रंग लगाने की पद्धति पर हम अभी विमर्श करेंगे, बात करेंगे। और इसमें हमें क्योंकि वॉश पेंटिंग स्टाइल में करना है तो हमारे जो स्टिल लाइफ के ऑब्जेक्ट हैं, आभूषण वगैरह होंगे, उन सबको हमें बाकायदा उसी पैटर्न से कर देना है कि जिससे वो जाहिर हो कि वो शीशी है, वो डिब्बा है, वो पाउडर का डिब्बा है, वो क्रीम का डिब्बा है, या दूधा है, या वो भी जितनी भी चीज़ें हैं, उन सब चीज़ों को हम यहाँ पर बखूबी दिखा सकते हैं। तो मैं समझ सकता हूँ कि आपको काफ़ी चीज़ें पता हो गई होंगी, और अगर कोई ऐसी चीज़ जो आपको समझ में नहीं आई है और जानकारी पूरी नहीं हो पा रही है तो आप इस वीडियो को देखने के बाद मुझे लिख सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं और मुझसे बात कर सकते हैं कि इसमें जो हम आगे का प्रोसेस करेंगे उसमें भी फिर आपको रूबरू रखेंगे। तो आज मैं अपनी बात यही फिनिश करता हूँ, और मैं समझ सकता हूँ कि आपके जो सवाल होंगे, जो आपका क्यूरियोसिटी होगी, जो जानकारी लेनी होगी, वो ज़रूर आप उससे अपने माध्यम से, अपने तरीके से मुझे अवगत कराते रहेंगे और हम इस पर काम आगे करते रहेंगे। पूरा उम्मीद है कि ये जो काम है उसको आप सीख करके एक अपना जो कंपोजिशन का जो वैल्यूज़ हैं, जो उसके महत्व हैं, उसको समझेंगे और अपनी जो पढ़ाई है उसे प्रोसेस में करेंगे। मेरा तो उद्देश्य ही है कि कलाओं का विकास हो और कलाओं की बहुत सारी प्रवृत्तियों से हमारे छात्र अवगत हों। मैं बहुत दिनों से इस बात को सोच रहा था कि कुछ ऐसे तरीके से बच्चों को बताया जाए जो उनको हमेशा जब भी वो कहीं ज़रूरत पड़े तो उसे वो देख सकें। लेकिन भला हो इस लॉकडाउन का कि जिसने इस पूरी प्रक्रिया को करने का एक मौका दिया, अदरवाइज़ तो हम लोग कहाँ इस चीज़ को कर पाए। तो ऐसे हालात में और ऐसी प्रक्रिया में मैं समझ सकता हूँ कि यह आपके बहुत ही काम का सब्जेक्ट है और इस पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा सीखने का मौका मिलेगा, आपकी जानकारी समृद्ध होगी और मैं भी संतुष्ट हो पाऊँगा कि मैंने अपने बच्चों को ये बातें बताई। और आगे तक, चूँकि ये वीडियो YouTube पे है, तो ये बातें आगे तक रहेंगी, जो भी समय समय पर देखना चाहेगा इसे देख सकेगा। तो आज का मैं अपना काम यहीं पर समाप्त करता हूँ। मेरे ख्याल से आपको ये हमारी पूरी बातें समझ में आई होंगी और आप उन पर आगे काम करेंगे। और मैं लाल रत्नाकर और यूनिवर्स कॉलेज के चित्रकला विभाग के द्वितीय सेमेस्टर के विद्यार्थियों को सीमेटिक कंपोजिशन के वॉश पेंटिंग प्रगति पर बात कर रहा हूँ। ओके, धन्यवाद।